नमस्कार, स्वराज्य भारत देख रहे हैं आप और मैं सत्यम मिश्रा। कोरोना से आज पूरा देश लग रहा है, लॉकडाउन पूरे देश में लागू है। ऐसे में हमने एबीवीपी गोंडा की जिला संयोजक शिवम पांडे जी से व्हाट्सएप के जरिए कुछ प्रश्न पूछे। आइए देखते हैं क्या कहते हैं शिवम जी और कैसे देते हैं हमारे प्रश्नों के उत्तर। नमस्ते, मैं शिवम पांडे, जिला संयोजक अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद गोंडा। जैसा कि हमारे मित्र सत्यम मिश्रा जी ने कुछ क्वेश्चन मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से इस कोरोना वायरस को लेकर पूछे हैं, जैसे कि पहला क्वेश्चन है इनका, जैसा कि सारा देश कोरोना से लड़ रहा है, ऐसे में आप कोरोना को लेकर क्या कहना चाहते हैं? मित्रों, जहां तक मुझे पता है इस समय सारा देश कोरोना से लड़ रहा है, ना कि मैं कोई डॉक्टर हूँ ना कि कोई विशेषज्ञ हूँ, तो मुझे लगता है कि हम सभी अपने घर में रहकर और व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पे जो एक तरीके से अफवाह चल रहा है और जो रियलिटी है, उन दोनों के बीच फर्क एक स्थापित करके हमें, हम सभी को अपने जो फेक मैसेज चल रहे हैं उनको अवॉइड करके और जितनी भी कोरोना में जैसे सोशल डिस्टेंसिंग इन सब बातों को ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन है सत्यम जी का, फिलहाल लॉकडाउन 3 मई तक बढ़ा दिया गया है, पर जिस तरह के हालात बन रहे हैं, लगातार मरीजों की संख्या बढ़ रही है, क्या लगता है कि लॉकडाउन बढ़ाना चाहिए? बिल्कुल सत्यम जी, मुझे लगता है कि लॉकडाउन बढ़ाना ही पड़ेगा, क्योंकि अभी आपको पता होगा कि जिसे पूरे दुनिया में ठीक ठाक डेवलप कंट्री माना जाता है अमेरिका, उसकी अगर GDP उठा के देखें और अपने देश की GDP उठा के देखें, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर उठा के देखें, यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर उठा देखें, तो आपको जमीन आसमान का फर्क दिखाई देगा। मैं यही कहना चाहूँगा कि वहाँ पे लॉकडाउन कब हुआ और यहाँ पे कब हुआ, आप देख सकते हैं यहाँ पे आई थिंक 19,000 समथिंग पेशेंट है आज, क्योंकि 24,000 टोटल आंकड़ा, जिसमें 5,000 ठीक हुए हैं। ये कहीं ना कहीं आपके और हमारे लिए बहुत एक अच्छा मैसेज है, और ये सुधार जो हुआ है कहीं ना कहीं लॉकडाउन की वजह से हुआ है, क्योंकि अभी भी इस बीमारी का इलाज नहीं, तो हमारा और आपका मौलिक कर्तव्य बनता है कि हम सभी लोग अपने घर में रहें और लॉकडाउन का पालन करें। और अगर हम लोगों ने लॉकडाउन का पालन किया होता तो लॉकडाउन शायद 3 मई तक ना बढ़ता। अगर कुछ तथाकथित रूप से जो अपने आप को सेकुलरिज्म का पाठ पढ़ाने में लगे हुए हैं, उनकी गलती की वजह से 3 मई तक लॉकडाउन हुआ है। तीसरा प्रश्न है सत्यम जी का, कोरोना से जीतने के लिए आप लोगों को क्या सलाह देंगे? एक ही रिक्वेस्ट है मेरी आप सभी से, हम लोग बाइक के देख, मैं फेसबुक के माध्यम से देखता हूँ कि आप सभी लोग जब तक आपके पास कोई ठोस कारण नहीं होता फिर भी घर से बाहर निकल रहे हैं। अगर हम लोग अपने आप को घर में रखेंगे तो दुनिया की कोई ताकत हमें कोरोना नामक बीमारी से पीड़ित नहीं कर सकती। हम सभी को अपने घर में रहना चाहिए, अगर कोई बहुत जरूरी काम हो रहा है तो घर से केवल एक व्यक्ति ही निकले, और आपको कोई जरूरी, मुझे लगता है लगभग सारी चीजें सरकार के द्वारा प्रोवाइड कराई जा रही हैं, लेकिन इतनी डेवलप कंट्री नहीं है, हम आपको भी सहयोग करना पड़ेगा, क्योंकि सरकार के बहुत कुछ करने से कोरोना नहीं, हमारे आपके बहुत कुछ करने से कहीं ना कहीं कोरोना बढ़ रहा है। तो हम सब आपसे मेरा यही एक अपील है कि अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहेंगे। और चौथा प्रश्न है सत्यम जी का हमारे, आप अपने क्षेत्र में लोगों की सहायता के लिए किस प्रकार से कार्यरत हैं? देखिए, जहां तक हो सकता है मेरी आप लोगों से भी अपील है कि क्षेत्र में, जैसे कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने गोंडा को 4 तहसील में डिवाइड किया है 16 ब्लॉकों में, तो 4 तहसील पे हमारे मुख्यतः एक हॉटस्पॉट टाइप के बने हुए हैं, कि जहाँ से हम लोग जो तहसील वार, जैसे कि गोंडा तहसील का हमारे अमन जी देख रहे हैं, कर्नलगंज तहसील का हमारे किशन जी देख रहे हैं, तरफगंज तहसील का हमारे कृष्णानंद मिश्रा जी देख रहे हैं, और मनकापुर तहसील का हमारे संजय देख, चारों तहसील पे हमने एक एक प्रमुख कार्यकर्ता स्थापित किए हैं जहाँ पे, और सभी ब्लॉकों पे हमारे 5-5 कार्यकर्ता लगे हुए हैं 24 आवर गोंडा की जनता की सेवा के लिए। आपको भी कोई दिखाई दे तो उसकी सेवा करिए, क्योंकि इस मुश्किल परिस्थिति में देश के साथ हम आपको और आपको एक साथ खड़ा होना पड़ेगा। और पांचवा प्रश्न है, पालघर में हुए साधुओं की निर्मम हत्या पर आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, जहां तक आपने भी न्यूज के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से देखा होगा, उतनी जानकारी मुझे भी है, मैंने भी जिस प्रकार से न्यूज के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से देखा, इस प्रकार की घटना अगर किसी भी साधुओं की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, अगर किसी भी इंसान के साथ घटित होती है तो ये मानवता के ऊपर एक तमाचा है, जो तथाकथित रूप से अपने आप को सेकुलर कहते हैं वहां पे बैठे हुए हैं, ये उनके मुंह पे भी तमाचा है, और सीधे सीधे स्थापित करता है कि कांग्रेस की शुरू से ही नीति रही है, किस प्रकार से वो हिंदू विरोधी कह सकते हैं कि किस तरीके से वो हिंदू विरोधी शुरू से ही काम करती आई है। और मैं यही कहना चाहूंगा, इस प्रकार की अगर घटनाएं महाराष्ट्र में होती हैं तो सीधे सीधे
वहां के मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि वो सरकार उनके हाथों से कानून व्यवस्था, जिस व्यक्ति से कानून व्यवस्था ना संभाली जाए उससे हम क्या उम्मीद कर सकते।